नमस्कार, आज के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है, जिसमें समाज सेवी बुद्धिजीवी चंद्रशेखर अग्रवाल नए विषय पर जानकारी देते हैं। आज बात करेंगे राजनीति पर, लेकिन विस्तार पर चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोकलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 7832812322। ग्रेट वे मेंस वियर, स्पेशलिस्ट इन जेंट्स सूट एंड सफारी सूट, रेडीमेड गारमेंट, टेलर्स एंड ड्रेपर्स। पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोडाश नगर, शाहदरा, दिल्ली 32। फोन 2211 8807 2257 4882। अब विस्तार से, प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन पूरे हो गए हैं, उन्होंने क्या विकास कार्य किए, क्या देश के उत्थान के लिए कुछ किया, जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी बुद्धिजीवी चंद्रेश अग्रवाल। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं समाज सेवी चंद्रेश अग्रवाल जी। आज बात करेंगे हम मोदी जी के 100 दिन पूरे होने पर, कि मोदी जी ने 100 दिन पूरे किए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, क्या उन्होंने 100 दिन किया है। आइए चलते हैं चंद्रेश अग्रवाल जी के पास। चंद्रेश जी, नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन पूरे किए हैं प्रधानमंत्री के पद पर, क्या कहना चाहेंगे? गुप्ता जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को धन्यवाद है कि हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, और मैंने गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आपने जो वर्तमान सरकार के 100 दिन के बारे में कहा, तो इस सामाजिक चिंतक होने के कारण जो निकल कर आ रहा है वो एक पॉजिटिव सोच के रूप में ही माना जा रहा है। हालांकि हमें लगता था कि ये कठिन कार्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनमानस की अपेक्षाएं अति उत्साहित हो गई थी, ऐसी स्थिति में 100 दिन में संभल कर संतुलित तरीके से काम कर पाना बहुत एक कठिन काम था। और इसी समय में आपने देखा भी कि 5 सितंबर टीचर्स डे पर एक संबोधन भी हुआ, जो बच्चों से उनका इंट्रैक्शन था प्रधानमंत्री महोदय का, तो वो भी एक प्रभावी एवं छाप छोड़ने वाला था। और कुल मिलाकर के भारत का जो एक कहते हैं ना कि जनमानस में जो छवि बनती है, मैं बार बार आपसे कोट करता हूँ कि कोई भी सरकार काम सारी जनता का काम खुद नहीं कर सकती, केवल काम करने के लिए वातावरण निर्धारित कर सकती है। तो एक जो वातावरण काम करने का बना है वो एक उत्साहवर्धक है और पॉजिटिव एनर्जी में है, जो पहले हतोत्साहित एवं परेशानी भरा था। देश की आजादी बाद फर्स्ट प्रधानमंत्री है जिसने शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधन किया है, डार्क टाई का सुना, क्या वजह है, क्या बच्चों में कुछ जोश आया, बच्चों में उत्तेजना आई कि हमें कुछ बनना चाहिए? हाँ, देखिए आप देखेंगे कि हमारे पास जो जानकारी है, अपने मुख्यमंत्री काल में वो गुजरात के बच्चों से बहुत समय से
कई अनेक वर्षों से इंट्रैक्शन करते आ रहे थे, बात करते आ रहे थे। और जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने देश के बच्चों से करने की कोशिश की, तो ये एक अच्छी पहल है। और जो लोग ये सोचते थे कि नेता पद पाने के बाद गरूर एवं लालची हो जाते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, ये उनके सोच परिवर्तन के लिए भी एक प्रेरणा का कार्य करेगा और इससे उनकी प्रेरणा, उनकी भी सोच में बदलाव आना चाहिए। साथ ही जो उन्होंने जमीन से जुड़ी बातें कही वो अपने आप में बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें और व्यवहारिक बातें हैं और दिल को छूने वाली बातें हैं। तो और आप उस सारे वातावरण को देखिए कि एक जो सामने वाला 8वीं 10वीं या 12वीं क्लास का विद्यार्थी है उसको ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो एक देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। उन्होंने आते ही अपने संबोधन में जब वार्ता शुरू की तो स्पष्ट बोला कि आपके टीचर ने कहा होगा ऐसे मत बैठना, ऐसे मत बैठना, ये मत करना, वो मत करना, आप भूल जाओ, बाहर के कायदे कानून बाहर के हैं सारे, यहाँ पर हम एक हेल्दी एटमोसफेयर और घर के वातावरण में बात कर रहे हैं। ये जो एक अच्छा एटमोसफेयर पैदा करने की बात होती है तो बहुत कम लोगों की होती है। और दिस पार्ट लीडरशिप, ये ही लीडरशिप है। हम बार बार कहते हैं कि लीडर लोगों को खाना नहीं खिला सकते, लोगों के काम नहीं कर सकते, काम लोगों को ही करने पड़ेंगे, अपने काम खुद करने पड़ेंगे, बस वो करने के तरीके वो बता सकते हैं अथवा करने किए जाने पर उनको प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित कर सकते हैं। अगर वो प्रोत्साहित करते हैं तो आगे काम करने की जनता की प्रवृत्ति बन जाती है, और अगर वो हतोत्साहित करते हैं तो जनता काम करना छोड़ देती है। तो ये जो उत्साहवर्धक वातावरण है ये देश के लिए बड़ा अच्छा है। और आपने देखा होगा इसी के सापेक्ष में आसपास के जितने हमने अपने विश्व भ्रमण किए हैं, चाहे वो जापान में हो, चाहे भूटान में हो, उन या नेपाल में हो, तो उन सब के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं और देश की छवि में सुधार हो रहा है, जो हमारी जो एक एम है, जो हमारा उद्देश्य है कि भारत विश्व सरमोर हो, सबसे एक मुकुट के रूप में जाना जाए, ये उसकी तरफ हम बढ़ता हुआ एक कदम देखते हैं। और वर्तमान में आप देखते होंगे कि हमारे जो बात करने का हो रहा है उसमें भी इसलिए थोड़ी शांति और स्थायित्व है, क्योंकि हमें भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा जिसको हम कंट्रावर्सी करके और एक अपनी सोच दे सकें। चलिए जी, इसके साथ साथ एक बच्चे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो मोदी जी का 2014 का एंजॉय कीजिए, क्या मतलब है 2014 का? देखिए ये ही व्यक्तित्व का फर्क होता है, बातें भी करते हैं और बातों से संदेश भी देते हैं। उनका ये मानना है, आप प्रधानमंत्री जी का शुरू से देख लीजिए, उनकी जो प्लानिंग है वो उन्होंने 10 साल बोला है, जो पूरा आप उनकी देखो, जब भी आप देखेंगे उद्घोषण वो हमेशा आपको 10 साल की बात करते हैं। और एक बताओ, अभी ये वर्तमान का विषय है, अगर उनकी दूरदृष्टि को आप देखें तो 10 साल से भी कहीं ज़्यादा उनकी सोच है। और देखिएगा आने वाले समय में तो क्या होता है, मगर उनका जो गुना भाग, गणित फल या कर्म या कार्य क्षेत्र कहें, वो निश्चित रूप से ये मान के चलता है कि हम इस 5 साल में एक ऐसा वातावरण बना देंगे, इतना बेहतरीन देश की तरक्की करेंगे कि देश की सरकार हमें अगले 5 साल दस साल में चुनना। जब बच्चे से कहा कि 2014 इंजॉय कीजिए, तो बच्चे मन में क्या ही होगी आपकी सबसे? देखिए, आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि उस बच्चे की उम्र 12-14 साल थी, 21 साल के लिए चुनाव लड़ने की उम्र चाहिए, तो अब 5 साल बाद तो 18 साल का होगा, तब तो वो वोट दे सकता है, चुनाव तो लड़ नहीं सकता, तो 5 साल बाद ना कहकर के उसकी उम्र को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप 9 साल बाद या 10 साल बाद जब चुनाव आएंगे उनकी तैयारी करें। अगर आप इस सापेक्ष से देखें तो ज़्यादा बेहतर है, इसका राजनीतिक पहलू के बारे में हमसे बात से चर्चा ना करवाएं तो बेहतर होगा। हम ये मानते हैं कि जो क्वेश्चन कर रहा है, जिस बच्चे का ये प्रश्न था उसकी उम्र लगभग 14-15 साल की लगभग थी, और ऐसी परिस्थिति में नेचुरली उसको चुनाव लड़ने और एमपी बनने के लिए
एमपी बन के प्रधानमंत्री बनने के पीएम बनने के लिए उसको 21 साल मिनिमम जो उम्र है वो होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वो उसके लिए स्वाभाविक प्रश्न है और उसे वहीं तक रखे तो ज्यादा बेहतर है शिक्षा के साथ साथ। अब वक्त है एक छोर से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। चर करती है दुख दूर ये समझाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, ये बतलाने आए हैं। जी हाँ, नेचुरोपैथी और योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, शुगर, छाजन, पेट गैस, अनिद्रा और टेंशन। और इसके लिए आप मिले डॉक्टर आर एस डबासी, क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर। अरे भाई, आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो करिए प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN। अच्छा, ये सब कहाँ से? आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, C89A मंडावली फाजिलपुर, IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092, लैंडलाइन 011-2247-7950, मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहां अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 2230-6292 2239-2314। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Dev Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Break ke baad aapka fir se swagat hai। मोदी जी ने 3 महीने में जो राजमार्ग है परिवहन की, सुना है कि उनको चौड़ा किया जा रहा है, 8 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदरूनी जो ट्रैफिक का उपयोग किया जा रहा है, देखिए डिप्लोमेटिक मोर्चे पर, डेवलपमेंट के मोर्चे पर, इकोनॉमी के मोर्चे पर, कॉन्फिडेंस के मौके पर, स्टेबिलिटी के मौके पर, और दूसरी सबसे बड़ी बात लोगों की भावनाओं को अति उत्खेलित, बहुत बढ़ी हुई भावनाओं को संतुलित करने के मौके पर भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने विजय पाई है या वर्क किया है वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने खुद कहा, आई एम नॉट ओनली द गुड टीचर, मैं एक अच्छा अध्यापक ही नहीं हूँ, मैं एक अच्छा क्रिएटर भी हूँ, मतलब मैं लोगों से बेहतर काम खुद तो करता ही हूँ, लोगों से बेहतर काम करवाने की क्षमता भी रखता हूँ। तो खुद जब आदमी को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है तभी वो सामने वाले को एक मार्गदर्शक की तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। उनका कहना ये है कि आप यहाँ कोई मजदूर काम करता है या कर्मचारी काम करता है, यदि आप 12 घंटे काम करते हो उसे 10 घंटे काम करना चाहिए, ये सोच क्या जनता में जा रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतने घंटे काम करता है, हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनका मोदी जी का प्रारंभिक भाषण देखिए, उन्होंने विकास क्रांति की बात की, और ये जो क्रांति शब्द है देखा जाए तो बड़ा क्रांतिकारी शब्द है, मगर यहाँ विकास के साथ जुड़ने के बाद जो क्रांति शब्द है
वो इस तरीके से हो जाता है कि आप देखेंगे कि जब जनमानस से कोई आंदोलन हो जाता है, लोगों के दिलों में एक बात घुस जाती है, तब वो एक क्रांति को रूप देती है। जैसे मुझे याद है उन्होंने उदाहरण दिया था कि आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी से पहले भी चल रहा था, मगर वो डिवाइडेड था, छोटे रूप में था। एक क्रांति के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन को जो लीडरशिप दी वो महात्मा गांधी जी ने दी, और एक वो क्रांति हुई और रिजल्ट और मिला। उसी तरीके उन्होंने कहा कि अगर विकास को मैं क्रांति का रूप दे सका तो चाहे मोदी रहे या ना रहे, हमारा विकास एक स्थिर विकास होगा और विकसित विकास होगा और देश अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। तो जो विकास की क्रांति है, जो विकास की क्रांति की बात करते हैं, वो वास्तव में एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई बात नहीं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 3 महीने हुए हैं, आर्थिक विकास दर 4 पॉइंट से 5 पॉइंट समथिंग हो गई है, 1% बड़ी है, कहते हैं कि क्या मेहनत कम होगी इससे बढ़ने से? देखिए, एक तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो इस पीरियड की बातें हैं, ये 3 साल 3 महीने में कोई खास दिखाई भी नहीं देती। आप जो देखेंगे, जो अभी आप डाटा देख भी रहे हैं, जिन डाटा की आप बात कर रहे हैं, वो चुनावी पीरियड के या उससे 1 महीने बाद, क्योंकि आज की डेट में जो डाटा क्लियर होते हैं उनको कलेक्शन करके इवेलुएट करने में 2 महीने लगते हैं। तो इस अगर हम इन दावों की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने और उसके 1 महीने बाद के हैं। अभी इसका रिजल्ट आप अगले 6 महीने बाद बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। और मैं आपने जो कहा उस बात को इस सापेक्ष में देखता हूँ कि अब आप कहेंगे कि फिर ये कैसे हुआ, कहीं मैं हम लोग चमचागिरी की बात तो नहीं कर रहे हैं या अपना ऐसा तो नहीं कि हम स्थिति की बात कर रहे हैं, मगर हमने पहले से ही बोला हुआ है, मैंने पद से मतलब है, हमें सच्चाई से मतलब है और विश्लेषण एक स्वस्थ विश्लेषण से मतलब है। जिस तरीके से सूरज की निकासी से पहले एक भोर की किरणें आती हैं तो और सबको एहसास होने लगता है कि दिन निकलने वाला है, उसी तरीके से भारतीय जनमानस को ये एहसास होने लगा था कि हाँ हम हमारे दिन बदलने वाले हैं। तो उन्होंने उन बदलने दिन बदलने की कोशिश में के लिए जो कर्म किया उसका वर्तमान में आप रिजल्ट देख रहे हैं। दिन बदल गए हैं, कर्म में परिवर्तन आ गया है, डिसीजन की क्षमता बदल गई है, इसका रिजल्ट आने वाले समय में देखेंगे। और जो इवेल्युएटर हैं जो वो अभी से ही इन सब सिस्टमों को देख करके वर्तमान परिस्थितियों को लगा करके तो और कोई बोलेगा, क्योंकि कल हम है नहीं है, हम कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों के सापेक्ष जो तरक्की बताते हैं वो वापस 9% ग्रोथ की बात होती है, और हमें इसमें पहले भी कोई आश्चर्य नहीं था, अभी भी कोई आश्चर्य नहीं है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भारत में अब संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है और सबके लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अब वक्त है एक छोर से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School,
इंग्लिश मीडियम रिकॉग्नाइज्ड छज्जूपुर शाहदरा दिल्ली 32 कॉन्टैक्ट 228-31594 बिग प्लेग्राउंड स्विंग्स स्लाइड्स सॉफ्ट टॉयज एंड स्विमिंग पूल फॉर किड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी Punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school, learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room, To nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability, we prepare the child to face cutthroat competitions. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajjupur, Shahadra, दिल्ली 32 चर करती है दुख दूर ये समझाने आए हैं हम समझाने आए हैं जी हाँ नेचुरोपैथी और योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं जैसे गठिया सियाटिका सर्वाइकल ब्लड प्रेशर शुगर छाजन पेट गैस अनिद्रा और टेंशन और इसके लिए आप मिले डॉक्टर आर एस डबासी क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर अरे भाई आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं हाँ भाई हाँ तो करीब प्राकृतिक चिकित्सा योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN अच्छा ये सब कहाँ से आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी C89A मंडावली फाजिलपुर IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092 लैंडलाइन 011-2247-7950 मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802 ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक तो बेहतर इस्तेमाल और एक सबके लिए इस्तेमाल और ऐसा वातावरण लग रहा है कि संसाधनों का सबके लिए इस्तेमाल होने की संभावनाएं हैं और बेहतर इस्तेमाल तो हो ही रहा है ये दिखा रहा है चलिए जी जन धन योजना शुरू की मोदी जी कहते हैं कि हर परिवार में दो बैंक अकाउंट होने चाहिए कहां तक ये सक्सेस हो पाएगा नहीं सक्सेस ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं है जिस तरीके से ई ट्रांजेक्शन और ये सब चीज़ें आ रही हैं तो खाता तो ज़रूरी है आप देखें कि हमारे यहाँ पहले साइकिलें नहीं होती थी कारें बड़ी उसी तरीके से पहले बैंक भी नहीं होते थे साहूकार होते थे फिर बैंक बढ़े जहाँ पहले बहुत कम खाते होते थे वहाँ खाते भी बढ़े तो ये तो एक जीवन का हिस्सा है आपकी अकाउंट बैंक अकाउंट होना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और होना भी चाहिए और अगर हम ये एक बेसिक नीड है इसको भी पूरा कर दें तो बहुत अच्छा होगा और इसमें सभी लोगों हालांकि मुझे अभी थोड़ा सा अफसोस यूँ हो रहा है क्योंकि मैं इस प्रक्रिया में था तो मेरे बहुत सी माताएं बहनें अभी भी अंगूठा लगा करके खाता खोल रही हैं जो मेरे लिए भी एक दुख का विषय है और हम और कोशिश करेंगे सरकार के साथ या अपने संसाधनों के आधार पर कि ये जो अंगूठा प्रथा है ये भी ख़त्म हो सके और लोगों देश में से अस्पृश्यता के साथ साथ अनपढ़ अशिक्षा भी दूर हो ये हमारे सोच में भी है और कर्म में भी आना चाहिए जैसे बैंक में सिस्टम था कि 1000 रुपये कम से कम अकाउंट ओपन होगा पर मोदी जी ने कहा बिना पैसे के अकाउंट ओपन हो जाएगा उसमें हमें कोई कागज़ नहीं चाहिए कुछ प्रूफ नहीं चाहिए कि क्या वास्तव में जनहित में है ही नहीं ऑब्वियसली जनहित में तो है ही क्योंकि देखिए एक मजदूर आदमी के लिए 1000 रुपये इकट्ठा करने के 1000 तो लोग 500 रुपये आते ही उसकी जो बेसिक आवश्यकताएँ हैं वो पहले आ जाती है वो इसलिए खाता नहीं खोल पाता कि ना 1000 रुपये होंगे ना मैं खाता खोल पाऊँगा अब ये जीरो बैलेंस खाता है नंबर एक नंबर दो इसमें खाताधारी का 1 साल का बीमा भी है 1 लाख रुपये का और कई भी है तो हालांकि ये ऑलरेडी नहीं है मगर क्या होता था कि ये जो खाते खुले ये टेक्निकल खाते हैं टेक्निकल खाते किस तरीके से ऐसे नहीं है कि आप गए और आपने घनश्याम के नाम से खाता खोल लिया
आपका जो आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड को इस बैंकों से जोड़ा गया है, और जब आपने आधार कार्ड दिया है उस आधार और आपके फ़ोटो के आधार पर, ये जो हमारा सेंट्रलाइज डाटा बैंक है, उस आधार कार्ड का जो डाटा बैंक है उसमें यही नाम है कि नहीं, तभी आपका खाता खुला। तो ये देखा जाए तो हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी की तरफ एक कदम है। पहले हमारे पास केवल आधार था, अब हमारे पास आधार और खाता दोनों, तो इससे कुछ चीज़ें रुकेंगी भी। मैं तो कहता हूँ कि आधार सब जगह ज़रूरी हो जाना चाहिए, और आधार का जो डाटा बेस है हमारे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए कि जब एक हमारा यहाँ पर चालान कट रहा है या हमारी आइडेंटिफिकेशन चेक की जा रही है तो हमारा पूरा डाटा में हम निकल के आ जाए कि हाँ ये जो मैं अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा हूँ वो सही है, नहीं कि मैं घनश्याम की आइडेंटिटी दिखा रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी और चालान और लोग नाम बदल के जो क्राइम करते हैं उन सब पर भी अंकुश लग जाएगा और वो वहाँ उन पर एक 420 की धारा भी लगेगी। और ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी ने घनश्याम के नाम से, चंद्रमोहन के नाम से और पप्पू के नाम से, राजा के नाम से बहुत सारे क्राइम कर लिया और आदमी लौट गया, तो आदमी भी वही होगा, उसके क्राइम करने की पोजीशन भी पता लगेगी और विकास, अगर वो विकास करता है तो विकास के लिए। सके जी, एक स्कीम और स्टार्ट की है कि आपको अटेस्टेशन कोई काम कराना है तो आपको किसी VIP से या गृह ऑफिस से अटेस्ट निकाल पड़ेगा, क्या सिस्टम ठीक है? सेल्फ अटेस्टेशन देखिए है क्या कि ये अंग्रेजों के ज़माने की परंपरा थी। अंग्रेजों ने क्या किया हुआ था कि रूलिंग अवस्था में सारे गजेटेड ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिन्हें कलेक्टर वो अपने लगा लिए थे, और वो चाहते थे कि देश की जनता कुछ भी करे तो उनकी जानकारी में हो, तो इसलिए उन्होंने ये कह रखा था कि अटेस्टेशन आप कराएंगे जिससे कि कोई भी कुछ करा रहा है तो पता हो कि भाई वो क्या कर रहा है और किस तरफ चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस से पहले इंटरनल जासूसी, व्यक्ति विशेष की जासूसी का एक आधार, मगर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, मगर अभी भी कहीं गुंजाइश है। गुंजाइश क्या है कि आप देखेंगे कि स्कूलों में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन हुआ है 20% का, प्राइवेट स्कूल भी सरकारी स्कूल। हो क्या रहा है कि एक बिजनेसमैन जिसकी 2 लाख रुपए रोज की सेल है, जो 15 लाख रुपए कमाता है, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन या 2 लाख रुपए कमाता है, अच्छे एडमिशन के लिए उसने अपना क्योंकि वो इनकम टैक्स देता नहीं, इनकम टैक्स भी चोरी कर रहा है, व्यापार भी उसका चोरी का है, तो अभी कागजों में तो वो कहीं है नहीं। उसने जाकर के SGM से जाकर के बाहर दलाल बैठे होंगे, उनसे 5,000 रुपये महीना लिया, एफिडेविट भी बनवा लिया और उसके आधार पर जाकर के अपना बड़े स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो सेल्फ अटेस्टेशन एक सुविधा तो अच्छी है, पर मैं अपने कागजों के साथ फोर्ज नहीं कर रहा हूँ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए भी कोई होना चाहिए। अभी तक मैं आपको बताता हूँ जितने भी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के केस हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी जो कार्रवाई हुई है वो मात्र ये हुई है कि आपका जो कैंसिलेशन ऑफ द बेनिफिट हुआ है, आप केवल आपका जो आपने उस फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बेनिफिट उठाए वहाँ तक उसको उन बेनिफिट से डिबार किया जाता है, वो भी बहुत समय बाद, वो उसे भी कोर्ट में चैलेंज दे देता है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं ये सेल्फ अटेस्टेशन के सिस्टम को कहीं एक शक के दायरे में लेकर के आती है। तो हमें यहाँ क्या है कि अपने ऊपर जो कंट्रोल रखना है, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग पीपल हूँ, इस बात की भी मुझे गारंटी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ अभी मुझे शक है। आपके विचार से आने वाले समय में क्या होना चाहिए? तो मोदी जी से नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पब्लिक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों को हमारे सिस्टम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे भी हो जाएगी, हम मुक्ति दिलाएगा और व्यक्ति विशेष को भी सही काम करने के लिए मजबूर एवं प्रेरित, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रेरित भी करेगा और मजबूर भी कर देगा।
तो इस तरीके से ये जरूरी है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बेहतर होता है। अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल जी को, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100 दिन अच्छे हैं, ये आने वाले समय पता चला कितने अच्छे हैं। यदि आपको एक कार्यक्रम पसंद हो, कुछ पूछना हो तो आप फोन कीजिए, उनका जवाब चक्रेश अग्रवाल जी देंगे। धन्यवाद। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2122-0637, 2211-0638-98-1072-1848-98-1870-152। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपके पास @your.coin। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यह समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री राम नगर, शारदा, दिल्ली 32।